चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हसई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एम्स में एमबीबीएस एडमिशन तो नीट स्कोर पर होता है, लेकिन जो अदर कोर्सेज होते हैं जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक हो गया, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, तो इनके लिए एम्स दिल्ली द्वारा अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एम्स में तीन स्टेप में रजिस्ट्रेशन होते हैं। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में कोड जनरेट किए जाते हैं और उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये तीनों रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको इसकी लास्ट डेट भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इससे पहले हम इसका एक बार प्रोस्पेक्ट चेक कर लेते हैं, कितनी इसमें सीटें हैं, कितनी फीस लगेगी, एग्जाम का जो सिलेबस मार्किंग है वो क्या रहेगा, कौन से सिटी में एग्जाम होगा, इसके बारे में हम प्रोस्पेक्ट में पूरा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट aimsexams.ac.in पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अकेडमिक कोर्स पर क्लिक करेंगे। अकेडमिक कोर्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें जो ब्रांचेज हैं, नर्सिंग के लिए दो ब्रांच है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो 4 साल का होता है और इसके बाद बीएससी पोस्ट बेसिक जो नर्सिंग होता है वो 2 साल का होता है। जिन बच्चों ने जेएनएम या फिर नर्सिंग कर रखी है वो पोस्ट बेसिक कर सकते हैं एम्स से। इसके बाद में पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में काफी सारे कोर्सेज हैं। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है एम्स में वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, लेकिन जो पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है इसमें। तो इसमें हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक किसी एक पर क्लिक करेंगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम। तो एक बार हम इसका प्रोस्पेक्ट चेक करते हैं। तो जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे लेफ्ट साइड में बीएससी प्रोस्पेक्ट लिखा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आगे बेसिक रजिस्ट्रेशन, आरयूसी जनरेट कोड और इसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इससे पहले हम एक बार प्रोस्पेक्ट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि एम्स का जो फॉर्म है वो 3 स्टेप में फिल किया जाता है। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, इसके बाद में कोड जनरेट किए जाते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 15 फरवरी 23 से बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और बेसिक रजिस्ट्रेशन हर एक कैंडिडेट को करना है। जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन असफल हो जाता है वही कैंडिडेट कोड जनरेट कर सकता है और वही फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 16 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी। यानी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन 16 मार्च 2023 तक बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है वो 18 मार्च 2023 को आपको मालूम चल जाएगा। ये स्टेटस अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पर, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये स्टेटस अपलोड हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो करेक्शन कर सकता है इस बेसिक रजिस्ट्रेशन में, वो 18 से 20 मार्च 2023 तक कर सकता है ये करेक्शन। इसके बाद में फाइनल स्टेटस कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है वो 21 मार्च 2023 को अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी कि 21 मार्च को आपको मालूम चल जाएगा कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद प्रोस्पेक्ट अपलोड हो गया है जो हम देख रहे हैं 1 मार्च को ही। इसके बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन कैंडिडेट्स का हो गया है उनको कोड जनरेट करना है, यानी कि एक यूनिक कोड होता है वो कोड जनरेट होगा। 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 22 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी और यही फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी 22 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट करना है और सिटी चॉइस करनी है एग्जाम के लिए। तो ये फाइनल में आपकी अकेडमिक डिटेल्स डालनी है। तो ये तीनों प्रकार के रजिस्ट्रेशन आपको 3 स्टेप में करने हैं। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कोड जनरेट करना है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें जो फाइनल स्टेटस आएगा
कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है, वो 27 मार्च को आ जाएगा। जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं अपने सपोर्टिंग में 31 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब इसमें एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे, वो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए 26 मई 2023 को ये अपलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड। इसके बाद बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए जो एडमिट कार्ड, सॉरी, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए एडमिट कार्ड अपलोड होंगे 18 जून 2023 को। इसके बाद में जो एग्जाम डेट रहेगा वो एग्जाम डेट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 3 जून 2023 सैटरडे को रहेगा। यानी कि 3 जून 2023 को बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के एग्जाम लगेंगे और एग्जाम डेट रहेगी पोस्ट बेसिक की 24 जून 2023 सैटरडे को। पोस्ट बेसिक के 2 पेपर होते हैं और बीएससी नर्सिंग का 1 ही पेपर होता है इसमें। और इसमें हम एग्जाम सिटी की बात करें तो पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल के लिए दिल्ली एग्जाम सेंटर रहता है और बीएससी नर्सिंग के लिए बाकी अलग से एग्जाम सेंटर। मैं आपको बाकी आगे बताता हूं। अब हम इसमें बात करते हैं फीस के लिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी वो क्या रहेगी। तो इसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज रहेगी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और के लिए जो फीस रहेगी वो 1600 रुपीज रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ये एप्लीकेशन फीस है। अब एक बार हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स देखें तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए सीट मैट्रिक्स है पूरा का पूरा। इसमें सारे कोर्सेज हैं, ये 33 कोर्सेज हैं जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं सारे के सारे। और इनमें कैटेगरी वाइज सीट भी दे रखी है। यूआर की 127 सीट्स हैं, इसमें ओबीसी की 68 सीट्स हैं, 35 सीट्स एससी कैटेगरी की, एसटी की 13 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 22 सीट्स हैं और पीडब्ल्यूडी की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसकी 7 सीट्स हैं। टोटल अगर हम देखें तो सीट इसमें 265 पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो सीटें हैं वो 265 सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज सीट्स आप इसमें देख रहे हैं, ये सीट से पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इलिजिबल हैं, यानी फीमेल कैंडिडेट ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो दिल्ली में बीएससी नर्सिंग के लिए 96 सीट्स हैं यूआर कैटेगरी की और टोटल ये कैटेगरी वाइज इसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कौन से एम्स में कितनी सीट्स हैं। टोटल 14 एम्स में एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग के लिए और टोटल 966 सीट्स है बीएससी नर्सिंग के लिए जो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ये फीमेल कैंडिडेट, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए 966 सीट्स है इसमें। इसके बाद में यूआर के लिए 378, यूआर पीडब्ल्यूडी 15, ईडब्ल्यूएस 88, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 5 सीट, 248 ओबीसी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 11, एससी 138, एससी पीडब्ल्यूडी 8, इसके बाद में एसटी 72 और 3 सीट्स हैं एसटी पीडब्ल्यूडी की। तो ये सारी जो सीटें हैं ये सीटें बीएससी नर्सिंग के लिए हैं 14 एम्स में। अब हम बात करें पोस्ट बेसिक की, तो पोस्ट बेसिक में एम्स न्यू दिल्ली में ही कोर्स करवाया जाता है पोस्ट बेसिक के लिए। इसमें 2 प्रकार की सीटें हैं, आउटसाइडर के लिए 30 सीट्स हैं, यानी कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इन 30 सीट्स पर अप्लाई कर सकता है और 20 सीट्स हैं डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि एम्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट बेसिक के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे पोस्ट, ये सीट मैट्रिक्स के बाद में, सीट मैट्रिक्स के बाद में बात करें कि बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है उसके लिए सेंटर कौन कौन से होंगे, एग्जाम सेंटर कौन कौन से होंगे। तो गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, त्रिवेंद्रमपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता, ये सारे के सारे एग्जाम सेंटर होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। इसके बाद में जो बीएससी पैरामेडिकल के एग्जाम सेंटर रहेंगे और पोस्ट बेसिक के एग्जाम सेंटर रहेंगे वो दिल्ली एनसीआर ओनली रहेगा, यानी कि
इन दो कोर्सेज के लिए दिल्ली में ही एग्जाम लगेगा, बाकी सारे कोर्सेज के लिए ये जो 14 एग्जाम सेंटर हैं इनमें एग्जाम लगेगा। तो आप जैसे ही अपना एग्जाम सेंटर चूज करेंगे उसी एग्जाम पर आपका सेंटर आएगा। मैं आपको यहां पर एक सलाह दूंगा कि आप टाइम से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें एग्जाम सेंटर की जो सीटें हैं वो लिमिटेड रहती हैं। एक एग्जाम सेंटर फुल होने के बाद आपको मजबूरन दूसरे एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, यानी कि दूर भी जाना पड़ सकता है। तो आप जितना जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपको एग्जाम सेंटर आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब एक बार एग्जाम की स्कीम के बारे में पता कर लेते हैं हम। तो इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। पोस्ट बेसिक के 2 पेपर होते हैं, पैरामेडिकल के और जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होता है उसका एक ही पेपर होता है। ये बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का 2 आवर्स का पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, बायोलॉजी 30 और जीके 10 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। जो पैरामेडिकल का होगा वो भी 1.5 आवर्स का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि इसमें पीसीएम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं कुछ कोर्सेज के लिए। ये आप प्रोस्पेक्ट में देख लेना कि जो पीसीएम के कैंडिडेट हैं कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो पीसीबी ग्रुप के कैंडिडेट हैं वो कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल के लिए। और बीएससी नर्सिंग के लिए तो बायो वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें। एक जो आपका करेक्ट आंसर है वो 1 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपके मार्क्स रॉन्ग हो जाते हैं आंसर तो 1/3 इसमें आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी 3 क्वेश्चन आप सही करेंगे, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसमें मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आप रिव्यू के लिए मार्क करते हैं उसका कोई आंसर नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उसका भी कोई आंसर मिलता भी नहीं है, तो कटता भी नहीं है। अब इसमें जो सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए 4 जून 2022 से लेकर के 3 जून 2023 तक, ये डेट रहेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। और पोस्ट बेसिक के लिए 26 जून से 24 जून 2023 तक रहेगी। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए जो एग्जाम डेट 1/4/2023 से लेके 3/6/2023 तक रहेगा। और बीएससी पोस्ट बेसिक ये ईडब्ल्यूएस के लिए इश्यू डेट है सर्टिफिकेट की। पहले वाला जो मैंने बताया था वो ओबीसी के लिए था और ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर जो भी कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की एग्जाम देना चाहता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो उसके सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 3। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी फीस की। तो जो फीस है इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए जो फीस है वो 600 रुपीज है। इसमें 4 इयर्स का कोर्स है ये। इसके बाद में बाकी कोर्सेज की पोर्ट मनी यहां दी गई है, फीस यहां दी गई है, हॉस्टल रेंट यहां दिया गया है। जैसा कि नर्सिंग के लिए जो कोर्स किए जाते हैं बाकी इंस्टीट्यूट में भी करवाए जाते हैं कोर्स, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स में जो फीस होती है वो नए के बराबर होती है। इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स एम्स बीएससी नर्सिंग को चुनते हैं, क्योंकि कोर्स भी अच्छे करवाए जाते हैं और फीस भी कम होती है। साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें, 500 रुपए पर मंथ बीएससी नर्सिंग में मिलता है। और बाकी इसमें जो बीडब्ल्यू कोर्स है उसमें 500 पर मंथ है, प्लस 13,940 जो इंटर्नशिप होती है उसमें। ये अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग स्टाइपेंड दे रखे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये। तो ये जानकारी थी इसके बारे में कि आप के लिए ये सीटें कितनी हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, थोड़ा मैं यहाँ जल्दी बताऊंगा आपको कि कैसे ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम एम्स की वेबसाइट पर ems.exams.ac.in पर विजिट करेंगे, अकेडमी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इसी पर आ जाएंगे हम, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये करना है, नहीं तो RUC जनरेट कोड करना है और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि ये 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं मैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आगे प्रोसीड पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में ये पूरा आपको फॉर्म फिल करना है, फुल नेम करना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
इसमें कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है स्टेट का, कैटेगरी क्या है आपकी, इसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी ये दे सकते हैं, इसके बाद में आप कौन सी जगह से ये इश्यू है, ऑप्शनल है, टिल कितनी तारीख तक वैलिड है, इसके बाद आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ फिल करिए, मेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना है, इसके बाद एड्रेस फिल करना है आपने, एड्रेस फिल करने के बाद में परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों फिल करने हैं और प्रोसीड करना है। तो जैसे ही आगे आप ओके सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास आ जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके ईमेल आईडी पर भी आएगा और मोबाइल नंबर पर भी आएगा जो आपने दिए हैं इसमें, ये आप नोट करके रख लीजिए। अभी इसके बाद में जैसे ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसमें ये स्टेप्स पूरे हो गए, इसके बाद एप्लीकेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है जो आपके मेल में और मोबाइल में आ रखे हैं, इसके बाद कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है आपने। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके अपलोड इमेज वाला जो इनकम्प्लीट पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फोटो और साइन और थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब आपने यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म प्रिंट के लिए आ जाएगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, माई पेज पर क्लिक करेंगे तो आप अपने पेज में वापस आ जाएंगे जहां आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन आएगा। अगर आप लॉग आउट कर रहे हैं, लॉग आउट हो जाते हैं तो दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ जनरेशन कोड कर सकते हैं, यहाँ से तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग कोड जनरेट करना है। अगर आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए करना है तो इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो अगर आपका जो वेरिफिकेशन हो गया है इमेज का तो आपको एक कोड मिल जाएगा, यूनिक कोड। अगर नहीं हुआ तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद में जैसे ही आपका कोड जनरेट हो जाएगा तो आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पेमेंट करना है और सिटी चॉइस करनी है। तो ये दो चीज करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन का आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी करनी है आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो 16, अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लास्ट डेट इसकी 16 मार्च 2023 रहेगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन की 23 मार्च रहेगी और जो एग्जाम के लिए डेट रहेगी वो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 3rd जून रहेगी और बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए 24th जून 2023 रहेगी। तो ये एम्स के जो नर्सिंग के फॉर्म थे उसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, हम नीट एग्जाम के बारे में और बाकी जितने भी सारे कोर्सेज हैं उनके फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और काउंसलिंग के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो नीट रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम सही समय पर सही जानकारी देते हैं। तो मिलेंगे इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।